रहे हैं भाई सुरेंद्र दुबे यादव से जो 950 करोड़ रुपए का चारा खा गए कि मूलधन और सूद भी दो साथ में अपना वजूद भी दो। मूलधन जनता का पैसा भाई, मूलधन और सूद भी दो साथ में अपना वजूद भी दो। अरे चर लिया है तुमने पशुओं का सारा चारा तो जनता के लिए सुबह शाम दूध भी दो। करती नहीं, निपटाती नहीं, केवल सरकाती है, वो सरकार कहलाती है। राजनीति में आजकल मौसम बदल रहा है, टीवी पर आप मौसम का हाल देखते होंगे, राजनीति में आजकल कैसा मौसम चल रहा है। अगले 24 घंटों के लिए राजनीतिक मौसम के बारे में अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी में आम तौर पर आसमान साफ रहेगा, तमिल मनीला कांग्रेस में ठंडी तेज हवाएं चलेंगी, सीपीएम के आकाश में काले बादल छाए रहेंगे, कांग्रेस आई में कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी तथा जनता दल में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। अब प्रस्तुत है चार बड़े नेताओं का तापमान। चंद्रशेखर 20 डिग्री सेल्सियस, इंद्र कुमार गुजराल 25 डिग्री सेल्सियस, लाल कृष्ण आडवाणी 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस और सीताराम केसरी 0 से 2 डिग्री कम। मौसम के बारे में जानकारी समाप्त हुई, नमस्कार। हंसी तरह तरह से आ जाती है, हास्यरस में देशभक्ति में हंसी कैसे आती है, देशभक्ति हास्यरस में कैसे संभव है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विदेशी आया हिंदुस्तान में, फल वाले की दुकान पर गया, बोला व्हाट इज दिस, वहाँ केले पड़े थे, उसने कहा सर इट इज बनाना। बोले ओहो बनाना, इधर तुम्हारे कंट्री में बहुत छोटा छोटा बनाना होता, उधर हमारे कंट्री में बहुत बड़ा बड़ा बनाना होता, खाली पीली में अपने देश का रोप मार गया। फिर पूछा व्हाट इज दिस, वो बोला इट इज ऑरेंज। विदेशी ने कहा ओहो तुम्हारे कंट्री में बहुत छोटा छोटा ऑरेंज होता, उधर हमारे कंट्री में बहुत बड़ा बड़ा ऑरेंज होता। अब जो बात कहे उसके लिए छोटा छोटा कहे, जो फल पूछे उसके लिए छोटा छोटा कहे। तो फल वाले ने तंग आकर एक तरबूज दिखा दिया, बोले साहब ये छोटे छोटे तो ये ले लीजिए, 25-30 किलो का तरबूज था मोटा सारा। तो उसने पूछा तरबूज, उसने देखा नहीं था विदेश में होता ही नहीं, उसने पूछा व्हाट इज दिस, हिंदुस्तान के देशभक्त फल वाले ने कहा ये हिंदुस्तान का अंगूर है। अब बता साले तेरे कंट्री में कितना बड़ा बड़ा होता। कहने का मतलब कि बात क्या सच कही गई क्या झूठ के गई इससे मतलब नहीं, किस भावना से कही गई, जिस भावना से कही गई उस भावना का नाम देशभक्ति। मैं हास्यरस में देशभक्ति की कविताएं आज तक पहुंच, जब मेरा अपहरण हुआ आतंकवादियों ने उस दिन जुल्मी कर दिया, आतंकवादियों ने उस दिन जुल्मी कर दिया जब उन्होंने मुझे मंत्री का भाई समझकर गलतफहमी में मंत्री के भाई की जगह मेरा ही अपहरण कर लिया और मेरी रिहाई के बदले जेल से 10 दुर्दांत आतंकवादी फिरौती में छोड़ने का सरकार को अल्टीमेटम दिया, बोले 10 आतंकवादी छोड़ो तो हम तुम्हारे एक आदमी छोड़े। रूबिया के कांड में ये हुआ था, वहीं से मैंने रचना शुरू की और हमारी सरकार छोड़ देती है, अगर मेरी जगह कोई मंत्री का भाई होता तो छोड़ छाड़ देते। बात कह रहा हूं सुनना रचना, आतंकवादियों ने उस दिन जुल्मी कर दिया जब उन्होंने मुझे मंत्री का भाई समझकर मंत्री के भाई की जगह मेरा ही अपहरण कर लिया और मेरी रिहाई के बदले जेल से 10 दुर्दांत आतंकवादियों को फिरौती में छोड़ने का सरकार को अल्टीमेटम दिया। अब आतंकवादी मुझे अज्ञात स्थान पर ले जाकर बतियाने लगे, मेरी हत्या की योजना ही बना बना कर और वो योजना ही मुझे सुना सुना कर डराने लगे। एक आतंकवादी ने कहा मर्डर का प्लान देखो आप, एक आतंकवादी ने कहा इसे मारने के लिए ऐसा करो इसके चेहरे का मेकअप बदलवाओ, इसका हुलिया हूबहू मुलायम सिंह यादव से मिलाओ, मुलायम सिंह के चेहरे की हर खासियत इसके चेहरे में भर दो और इसे बजरंग दल के हवाले कर दो। दूसरा बोला नहीं 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 यार ये तो बहुत शर्मिला बंदा, व्यंग पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा, किस एटमॉस्फेयर में मैं ये कविता लिख रहा हूं और आपको सुना रहा हूं। दूसरा बोला नहीं नहीं यार इसे मारने के लिए एकदम यूनिक तरीका काम में लिया जाए, ये बहुत सीधा साधा भोला आदमी है, इसे मारने के लिए एकदम यूनिक तरीका काम में लिया जाए और इसे सर्वोच्च स्तर की ईमानदारी के लिए इस साल का लालू प्रसाद यादव पुरस्कार दिया जाए। ये समाचार अखबार में भेज दो, सुबह तक समाचार छप जाएगा, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। अरे इसे मारने के लिए गोलियां बिगाड़ने की क्या जरूरत, जब सुबह अखबार पढ़ेगा तो मारे आत्मग्लानी के अपने आप मर जाएगा।
मारे आत्मग्लानी के अपने आप मर जाएगा। तीसरा बोला नहीं नहीं यार, इसे मारने के लिए, और ध्यान चाहूंगा आपका किस समस्या को इंगित कर रहा हूं। तीसरा बोला नहीं यार, इसे मारने के लिए इसे कश्मीर की घाटी में किराए का एक मकान दिलाओ, मकान पर भारत माता की जय के नारे लिखाओ, उस पे तिरंगा लहराओ, क्योंकि जो काम हम गुपचुप में करना चाहते हैं उसे वो खुलेआम कर देंगे। जो ही देशद्रोहियों की नजर इस पर पड़ेगी वे इसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन मुझे उन अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रिहा कराना सरकार को याद थोड़े ही था। इस पंक्ति पर मैं पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ, क्या दोगली नीतियां सरकार की। लेकिन मुझे उन अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रिहा करवाना सरकार को याद थोड़े ही था। मेरी रिहाई के बदले कौन जेल से 10 दुर्दांत आतंकवादियों को फिरौती में छोड़ता। अरे मैं किसी मंत्री की औलाद थोड़े ही था। मेरी रिहाई के बदले कौन जेल से 10 दुर्दांत आतंकवादियों को फिरौती में छोड़ता। मैं किसी मंत्री की औलाद थोड़े ही था। तभी एक बिचौलिया आया, उसने सरकार का संदेश अपहरणकर्ताओं तक पहुंचाया कि जिसे तुम मंत्री का भाई समझे हो वो मंत्री का भाई नहीं है, वो तो हास्यरस का कवि सुरेंद्र दुबे है, मस्खरा है, रोज सरकार की मजाक उड़ाता है, इसलिए इसका जिंदा रहना तो सरकार को भी नहीं भाता है। तुम चाहो तो इसे मार दो। आम आदमी को देखते सरकार बहादुर हो गई। अगर तुम चाहो तो इसे मार दो, लेकिन अगर आप इसे मार देंगे तो बदले में हम जेल में बंद तुम्हारे 10 साथियों को मौत के घाट उतार देंगे। अगर आप इसे मार देंगे तो बदले में हम तुम्हारे जेल में बंद 10 साथियों को मौत के घाट उतार देंगे। इतना सुनते अपहरणकर्ताओं की हालत बिगड़ने लगी, उनकी खुद की कार्रवाई खुद के गले पड़ने लगी। वो क्या करें क्या न करें असमंजस की स्थिति में खो गए। सरकार तो मजे में थी, आतंकवादी खुद ही आतंकित हो गए। आतंकवादी खुद ही आतंकित हो गए। एक आतंकवादी ने झल्ला कर मुझसे कहा भाग जाओ। मैंने कहा कहां भाग जाओ, तुम्हारे चक्कर में मेरा एक कवि सम्मेलन छूट गया, पहले उसका पेमेंट लाओ। अब मैं आतंकवादी हो गया। इस देश में जिसका मौका पड़ता वो ही हो लेता है। मैंने कहा तुम्हारे चक्कर में मेरा एक कवि सम्मेलन छूट गया, पहले उसका पेमेंट लाओ। वो बोला पेमेंट बताओ। मैंने कहा 10,000 रुपए। वो बोला ये 20,000 रुपए पकड़ो और यहां से दफा हो जाओ। मैंने कहा हे आतंकवादी जी, हम कवि हैं, हराम के नहीं खाते हैं, जिससे इस निमित्त पेमेंट पाते हैं उसे अपनी कविता अवश्य सुनाते हैं। मेरी कविता में अच्छी अच्छी बातें हैं, सुन लीजिए, लोग इनको कालजयी बताते हैं, आप भी सुन लीजिए। वो बोला कविता मत सुना मेरे बाप, भगवान के लिए पैसे पकड़ो और यहां से दबा हो जाओ। हम वैसे ही बहुत टेंशन में हैं, कविता सुनाकर हमारा टेंशन और मत बढ़ाओ। मैंने कहा कविता नहीं सुननी। बोले नहीं सुननी। तो मैंने कहा नहीं सुनाने के 20,000 रुपए और लाओ। कविता नहीं सुनाने के 20,000 रुपए और लाओ। तो एक आतंकवादी ने आपकी हंसी के लिए मैंने कहा अपना दिमाग दौड़ाया है, इस पंच पर आपका सबका आशीर्वाद चाहूंगा, ठा के चाहूंगा। मैंने कहा नहीं सुनाने के 20,000 रुपए और लाओ। तो एक आतंकवादी ने अपने दूसरे साथी से कहा रे नीचे वाले तहखाने में चुपचाप जा और 40,000 रुपए और छाप ला। पट्टों ने पूरी मशीन ही पिट कर रखी थी वहां पे। बोले नीचे वाले तहखाने में चुपचाप जा और 40,000 रुपए और छाप ला। उसने कहा 40,000 किस लिए। बोले सिर फिरे कवि का क्या भरोसा, कहीं जाते जाते किसी दूसरे बहाने से 20,000 और नियन टाले इसलिए। मैंने कहा हे आतंकवादी जी, एक तो नकली नोटों की जोखिम, मेरी सिंसियरिटी देखो आप, एक तो नकली नोटों की जोखिम, ऐसे मैं घर कैसे जाऊंगा, फिर आपने तो मेरी कविता भी नहीं सुनी। मुझे तो लगता है मैं दम घुट के रस्ते में ही मर जाऊंगा, मैं दम घुट के रस्ते में ही मर जाऊंगा। आतंकवादी बोला मरे मत मेरे बाप, तुझको तो हमारा हालत में बचाएंगे, तू मारा गया तो जेल में बंद हमारे 10 साथी फोकट में मारे जाएंगे। एक छोटी सी सुना दे, लंबी मत सुनाना। मैंने कहा मेरी कविता का शीर्षक है तीसरी लाश। वो बोला शाबाश, ये तो हमारे डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है, धुआंधार है। मैंने कहा मुलाहिजा फरमाइए, कविता इस प्रकार है। आतंकवादियों को उनके अड्डे पे जाके कविता सुना रहा हूं। और मैं क्या संदेश देना चाहता हूं इस गुजरात के सुधी श्रोताओं से, भारत विकास परिषद ने जो इतने अच्छे श्रोता जुटाए हैं,
इस मंच से मैं आतंकवादियों को संदेश पहुंचाना चाहता हूं। इस कविता में आपको लगे ये संदेश कविता के माध्यम से उग्रवादियों की तरफ जाना चाहिए तो मेरी बात का समर्थन करना, हर देशभक्त श्रोता का समर्थन चाहूंगा। मैंने कहा मेरी कविता का शीर्षक है तीसरी लाश, वो बोला शाबाश, ये तो हमारे डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है, धुआंधार है। मैंने कहा मुलायजा फरमाई, ये कविता इस प्रकार है। मैंने सुनाया कि एक आतंकवादी ने एक यात्री रेलगाड़ी को सफलतापूर्वक उड़ाया तथा दुर्घटना का करुण क्रंदनकारी दृश्य देखने साथियों सहित स्वयं दुर्घटना स्थल पे चला आया। वहां लाशों का अंबार देखकर मुदित हुआ, मन ही मन मुस्काया, क्योंकि उसने देखा वहां पड़ी लाशों में एक लाश उसकी सगी बहन के उस ससुर की थी जिसने दहेज के लालच में उसे जिंदा जलाया था, एक लाश उस थानेदार की थी जिसने हत्या को आत्महत्या का मामला बनाया था, एक लाश उसके बहन के उस ससुर की थी जिसने दहेज के लालच में उसे जिंदा जलाया था, एक लाश उस थानेदार की थी जिसने हत्या को आत्महत्या का मामला बनाया था, एक लाश उस वकील की थी जिसने पैसे के लालच में झूठी पैरवी की थी, और एक लाश उस मजिस्ट्रेट की भी थी जिसने संदेह के लाभ की छूट उसे दी थी। लोगों का करुण क्रंदन उसके लिए मल्हार था, जैसी करनी वैसी बननी, लोगों का करुण क्रंदन उसके लिए मल्हार था, हर एक आंसू जैसे त्योहार था। वह मुस्कुराते मुस्कुराते तीसरी चौथी पांचवीं बोगी के सामने आया तो अचानक ठिठका, ठहरा और घबराया। जब वो पांचवीं बोगी के सामने आया तो अचानक ठिठका, ठहरा और घबराया, क्योंकि उसने देखा उस बोगी के सामने पड़ी लाशों में एक लाश उसकी माँ की और दूसरी उसके बाप की भी थी, एक लाश उसकी माँ की और दूसरी उसके बाप की भी थी। तभी लोगों ने देखा कि लाशों की कतार में एक तीसरी लाश उसकी अपने आप की भी थी। तो मैंने कहा और इन अंतिम पंक्तियों पर आपका प्यार चाहिए जो मैं कविता में कहना चाहता हूं, अंतिम दो पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं, तीसरी लाश उसकी अपने आप की भी थी। तो आतंकवादियों ये खूनी खेल बंद करो वरना पछताओगे, जो आग तुम इस देश में लगा रहे हो देख लेना इसी आग में एक दिन तुम खुद भी जल जाओगे, एक दिन इस आग में तुम खुद भी जल जाओगे। एक जवाई तो दाल में काला है सिर ढके नहीं, जब बाई तो दाल में काला। जवाई जी घूंघट निकाले, क्या मतलब है इसका, सोचो कुछ न कुछ गड़बड़ है, और जवाई जी हो और बाई उगाड़े मुंह घूमे, और जवाई जी घूंघट निकाल के बैठे हो तो गड़बड़ है। बस अब यहाँ से राजनीतिक घोटाले उठाए मैंने, घूंघट में हो जवाई तो दाल में काला है सिर ढके नहीं, जब बाई तो दाल में काला है। वारे सुख राम तूने किया कैसा काम, तेरे आम के तो आम और गुठलियों के दाम, दल हुआ बदनाम तुझे रोए सीताराम, दल हुआ बदनाम तुझे रोए सीताराम, जरिया सोका ही बताया लेकिन करोड़ों कमाया, बोरे भर भर के छिपाया ये है टेलीकॉम की माया। और पंक्ति सुनना कि जब गंजा कराए बाल डाई तो दाल में काला गए सिर ढके नहीं, जब बाई तो दाल में काला गए। एक और घोटाला हवाला कांड के नाम से जानते हैं, एक डायरी को छुआ कई को डायरिया हुआ, एक डायरी को छुआ कई को डायरिया हुआ, बनाया जिनको पहरेदार निकले ज्यादातर गद्दार, कौन फसल को बचाए जब बाढ़ खेत को खाए, माल खुद खा जाए जब हलवाई तो दाल में काला गए सिर ढके नहीं, जब बाई तो दाल में का। और एक घोटाला देखे यूरिया कांड, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब संसद में जवाब दे रहे थे तो उन्होंने एक यूरिया कांड उखाड़ा और बताया कि 133 करोड़ रुपए का यूरिया भारत को आयात करना था, 133 करोड़ का पूरा एडवांस पेमेंट भारत सरकार ने कर दिया, 40 लाख रुपए दलाली उस दलाल को दे दी जिसने सौदा कराया, मजे की बात की एक दाना यूरिया का भारत में नहीं आया। अब मैंने इसको कैसे कहा हास्य रस में, आपका ध्यान चाहूंगा किस रूपक में बांधा है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है घर में, महिला के तो नावण पूछते हैं, जलवा पूछते हैं, राजस्थान में प्रथा है जो लोग जानते हैं,
यहाँ भी कुछ अलग नाम से उसको बोलते होंगे, अब यहाँ ध्यान दें। यूरिया कांड, यूरिया घोटाला कैसे लिखा है, हुआ नावन पूजी जलवा, हुआ नावन पूजी जलवा, सबने खूब खाया हलवा, सभी खा गए मिठाई और दे गए बधाई, खुश है सारे रिश्तेदार, चुक लिए सबने नेक चार, ऐसा देखा है कहीं की बच्चा हुआ ही नहीं। हुआ नावन पूजी जलवा, सबने खूब खाया हलवा, सभी खा गए मिठाई और दे गए बधाई, खुश है सारे रिश्तेदार, चुक लिए सबने नेक चार, ऐसा देखा है कहीं की बच्चा हुआ ही नहीं। उधर वो मेजबान बेचारा अभी तक फिर रहा कुंवारा, यही तो है लाला अपना यूरिया घोटाला। और पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा, जब नेग छोड़ दे नाई तो दाल में काला है, सिर ढके नहीं जब बाई तो दाल। मैं इस प्रथम दौर के चक्र पर कलश पर कलश रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं देश के विख्यात कवि, बड़े भारी कवि, देश के एकमात्र कुंवारे कवि, ये हमारे हिंदी कवि सम्मेलनों के भीष्म पितामह हैं, ऐसा हमारे आदरणीय आदित्य जी कहते हैं, भीष्म पिता, और पंडित विशेश्वर जी भी ऐसा ही कहते हैं कि, और ये कहते हुए बताते हैं कि कवि सम्मेलनों का के भीष्म हरिओम पवार जी, इसलिए। और अंतर सिर्फ इतना है कि भीष्म जी ने शादी की नहीं थी और इनकी हो नहीं रही। कुंवारे आदमी के लिए एक सुविधा है कि वो चारपाई के दोनों तरफ से उतर सकता है, इस सुविधा का पूरा लाभ उठा रहे हैं हरिओम पवार जी, मेरठ की धरती के रहने वाले अग्निधर्मा कवि। इनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि देखना जो चाहते इनकी उड़ान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो जरा आसमान को, जिनकी उड़ान के लिए आसमान को ऊंचा करना पड़ेगा। हिंदी कवि सम्मेलनों को नए नए आयाम देने वाले, हिंदी कवि सम्मेलनों की सार्थकता की परिभाषाएं बदल देने वाले कवि आदरणीय हरिओम पवार जी आ रहे हैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। पवार जी का स्वागत था। आदरणीय रतन प्रकाश गुप्ता जी गुजराती हिंदी समाज के अध्यक्ष यहाँ बैठे, उन्होंने कभी परंपरा शुरू की थी, हमारी तो कल्पना भी नहीं थी आज से 10 साल पहले कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के कवि सम्मेलनों में 25,000 लोग आकर हिंदी की कविता सुन सकते हैं, लेकिन ये सपना सच कर दिखाया आपने। मैं भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गया हूँ बहुत बार, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में भारत विकास परिषद का इससे अधिक आलीशान कोई समारोह कवि सम्मेलन के नाम पर कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। और जिस मन से आप लोग हिंदी कविता सुनते हैं, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन आपको लगेगा कि इसलिए कर रहे हैं प्रशंसा, कहीं हम कुछ थोड़ा सिंपैथी इनको दे दें, ऐसा नहीं। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाऊं मैं, आजादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे। एक लाइन पढ़ता हूं, आपको लगे कि 50 साल बोलते हैं एक लाइन में, इस देश का 50 साल का इतिहास एक पंक्ति में सिमटता है। तो मंच और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि तालियां चाहूंगा पूरे सदन से, आपको लगे कि एक पंक्ति में 50 साल का इतिहास लिखा जा सकता है। स्वागत भाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने। हुजूर अब बैठ जाइए, सब बैठ जाओ, कोई नहीं घूमेगा, एक भी व्यक्ति नहीं घूमेगा, अब खड़ा होकर कहीं भी स्थान ले लीजिए। वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी
जिससे गौरव पाती है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती है, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती है। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। राजमहल के अंदर आरे गहरे तनकर बैठे हैं, बुद्धिजीवी गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं, इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकता हूँ, इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता। इस मुल्क का आईना बन गया। तो मैंने कहा है आपसे कि हरिओम पवार एक आग का नाम है, उसको छुओगे तो जलोगे और नहीं छुओगे तो उसको छूने के लिए तरसोगे भी जरूर, ये दावा भी कर सकता हूं, वादा भी कर सकता हूं आप सबके साथ। कैसा हिंदुस्तान बना दिया, 6 दिन संसद चली, राज्यसभा और लोकसभा का विशेष सत्र, किस लिए? 50 साल में क्या खोया क्या पाया पता लगाएंगे, मुझसे नहीं पूछा 5 रुपए का टेलीफोन करके। 50 करोड़ खर्चा हुआ था यह पता लगाने के लिए 50 साल में क्या खो दिया क्या पा लिया। एक उत्तर देता हूं, अच्छा लगे तो बताना, इसके सिवा 50 साल की उपलब्धि नहीं है कोई भी। हमने 50 साल में सरदार पटेल खो दिया, फूलन देवी पाली। तीन सौ हत्याओं का हत्यारा वीरप्पन, उसके आत्मसमर्पण के लिए मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं, कोई कहने की हिम्मत नहीं करता कि उस दरिंदे को तोप के गोले से बांधकर उड़ाकर उसकी लाश को केवल चील गिद्ध कौओं को खिलाया जाएगा, कहने की हिम्मत नहीं करता। गाली की भी कोई सीमा है कोई मर्यादा है, गाली की भी कोई सीमा है कोई मर्यादा, समझना इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। शहीदों का सम्मान और अपमान एक साथ हो तो आजादी के 50वें वर्षगांठ की समस्त कार्रवाई मुझे झूठी लगती है। गाली की भी कोई सीमा है कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है, मेरी आंखों में पानी है सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है, वोटों के लालच में शायद कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, हिंद महासागर की सुनकर लहरें तड़प उठी होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प उठी होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा, भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंत चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले से। इस सारे सदन से निवेदन करता हूं कि एक क्षण को एक कल्पना करना कि अगर ये खबर चंद्रशेखर आजाद को मिली होगी तो उस पर क्या गुजरी होगी, एक क्षण की कल्पना। और मैंने इशारा किया है, मत बजाना कविता को ताली, मेरे कहने की हिम्मत को दाद देना, कि एक क्षण का इशारा है कि अगर आजाद ने ये कहीं सुना होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी, बस मेरा इशारा समझना, और इशारा अच्छा लगे तो पूरे सदन से चाहूंगा कि बताए कि इस इशारा करने की हिम्मत इस मुल्क में किसी को करनी चाहिए थी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निधिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह।
जहां मरे आजाद पार के पत्ते खड़ गए होंगे, शायद जहां मरे आजाद पार के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़ गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का लघु उदाहरण हूँ, मैं सूरज का बेटा तमके गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं। क्यों दिल दुखा? सारे संसार के क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ना और फिर आजाद का पढ़ना, एक वाक्य सारी दुनिया से अलग करता है चंद्रशेखर आजाद को। शायद कुछ लोग जानते होंगे, शायद अधिक लोग नहीं जानते होंगे। उनके माता पिता मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में रहते थे और अंतिम दिनों में गरीबी में थे। इकलौता बेटा था आजाद, दूसरा भाई की मृत्यु हो गई थी बचपन में। इकलौता बेटा था आजाद, तो किसी ने जाके बताया आजाद को कि तुम्हारे माँ बाप के पास तो इतना भी साधन नहीं है कि वो रोटी खा सकें ठीक से। तुम खजाने लूटते हो सरकार के, संदूक तुम्हारे पास है, पैसा इस संदूक के अंदर है, चाबी तुम्हारे पास है, इतना पैसा तो घर भेज दो कि माँ बाप रोटी खा सकें। आप कल्पना कर सकते हैं क्या जवाब दिया होगा आजाद ने? आजाद का जवाब बताता हूं और रोता हूं। आजाद ने कहा था कि इस संदूक से तो मैं दो पैसे नहीं दे सकता उनको, लेकिन तुम उनकी सेवा ना कर सको तो आके मुझे बता जाना, मेरे पिस्तौल की दो गोलियां उनके सीने में उतार कर उनकी सेवा करने के लिए मैं आ जाऊंगा। उसको कोई गाली देगा और हिंदुस्तान चुप रहेगा? इस मुल्क के खून में उबाल नहीं आएगा? तब आजाद पर बोलता हूं, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसकी यश गाथा भारत के घर घर में नवचुंबी है, जिसकी छोटी सी आयु भी युगों से लंबी है, जिसको खूनी मेहंदी से भी दहर रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे न खाता था, अब तो नेता पर्वत सड़के शहरों को खा जाते हैं, शिलान्यास के बदले पूरी नहरों को खा जाते हैं, अब तो नेता सड़कें पर्वत शहरों को खा जाते हैं, शिलान्यास के बदले पूरी नहरों। और चार लाइन पढ़ता हूं साहब, फिर आशीर्वाद चाहूंगा। स्वर्ण जयंती वाला जो ये मंदिर खड़ा हुआ होगा, स्वर्ण जयंती वाला जो ये मंदिर खड़ा हुआ होगा, शेखर इसकी बुनियादों के नीचे गड़ा हुआ होगा, आजादी के कारण जो गैरों से कभी लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत। मैं साहित्य नहीं चोटों का चित्रण हूँ, मैं साहित्य नहीं चोटों का चित्रण हूँ, आजादी के अमूल्यन का वर्णन हूँ, मैं अग्नि गंधा शवनम की प्रीत नहीं पा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं। शायद कोई नहीं कहेगा, मैं कहना चाहता हूँ, और इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं आज नहीं कहूंगा तो आप समझेंगे कि मैंने क्यों नहीं कहा। एकमात्र इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी बसते हैं जिनके पैर छूकर लगता है कि हमने किसी तीर्थ किसी सद्भाव के दर्शन कर लिए। जय के नारे गाने वाले हैं जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो नैतिकता के अमूल्यन का गम करते रहते हैं, देश धर्म की ठेकेदारी का दम भरते रहते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे हैं, आजादी की यादों के पत्थर पूजे हैं चूमे हैं, इस घटना पर चुप बैठे थे सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले, इस घटना पर चुप बैठे थे सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, वरना इस गंदी हरकत पर, वरना इस हरकत पर तो ठूक डांट भी सकते थे, जो जीव शहीदों पर थूके वो जीव काट भी सकते थे, जो जीव शहीदों पर थूके वो जीव काट भी सकते थे, जलियांवाले बाग में जो निर्दोषों का हत्यारा था, उस डायर को ऊधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था, उस डायर को ऊधम सिंह ने लंदन। केवल सिंहासन का भाट नहीं हूँ मैं, केवल सिंहासन का भाट नहीं हूँ मैं,
विरदावलियों की ही हाट नहीं हूँ मैं दर्पण हूँ दागी चेहरों को कैसे भा सकता हूँ मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ मैं पीड़ा की चीखों में। और मेरा भाई विकट पढ़ रहा था बिहार का है, जिनके बारे में पढ़ रहा था वो मेरी पड़ोसन है, मेरी पड़ोसन के बारे में मुझको बोलना चाहिए, बोल रहा हूँ तो आपके पड़ोस भारत में पैर, आपके पड़ोस में सब कुंवारे कुंवारी है क्या? इससे अब कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि पढ़े लिखे लोग बताते हैं कि जब आपके सामने कोई आदमी बोल रहा हो बार बार और उसका मानसिक स्तर आपके बराबर नहीं हो, ज्यादा ऊंचा हो होता है। इस देश में जिसको संचालक बनाया उसको मालूम है कि वो गुजराल हो चुका फिर भी समर्थन हो ना हो एक केसरी की चिट्ठी काफी है। सुनना ध्यान से, आनंद लेना साहब। जो भारत में पैर यार को पैगंबर दर्शाती है। सुदर्शन साहब आप कह सकते थे, आप बहुत बड़े अनुशासन चलाते हैं। एक नेता देश में आंदोलन चलाता है जीवन भर राम की तस्वीर पर जूते मारने का जुलूस निकालने का, उसका मेला लगे लखनऊ में और उस सरकार को भाजपा समर्थन दे, तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी नजर आती है, बस इसलिए गा रहा हूं सुनना। जो भारत में पैरियार को पैगंबर दर्शाती है, वातावरण विषैला करके मन ही मन मुस्काती है, जो अतीत को तिरस्कार के चांटे देती आई है, वर्तमान को जातिवाद के कांटे देती आई है, जिसने चित्रकूट नगरी का नाम बदल कर डाल दिया, तुलसी की रामायण का सम्मान कुचल कर डाल दिया, जो कल तिलक गोखले को गद्दार बताने वाली है, खुद को ही आजादी का हकदार बताने वाली है, उस माया से अब जो भी गठबंधन करने वाला है, बिजली के नंगे तारों को छूकर मरने वाला है, बिजली के नंगे तारों को छूकर मरने। अंतिम छंद पढ़ता हूं, उन शहीदों का स्थान क्या है देश में, आपके दिलों में बैठे हुए पटेल इस मुल्क के हर दिल पर छपा हुआ नाम है, भगत सिंह हो आजाद हो कोई भी हो दिल पर छपे हुए नाम, और नेताओं का भविष्य 2 मार्च के बाद जो अखबारों की रद्दी बिकेगी उसमें मिलेंगे बस। दोनों की तुलना कर रहा हूं, अंतिम पद पढ़ता हूं आजादी के स्वर्ण जयंती के नाम, शहीदों को प्रणाम करना चाहता हूं अंतिम पंक्तियां, इसके बाद मध्यांतर करेंगे संचालक और आप उसके बाद दूसरे दौर में जुटेंगे। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगे इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं, मैं पीड़ा की। मित्रों, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे कभी कब सम्मेलन में ये बोलना पड़ेगा जो मैं आज बोलने जा रहा हूं। एक बहुत छोटी सी 1 मिनट की एक कहानी से एक बात कहना चाहता हूं। कहानी यह है कि एक राज्य में अपराध बढ़े, अशांति बढ़ी, बम फटने शुरू हुए, कोई भी कानून व्यवस्था बची नहीं, राज्य तबाही के कगार पर था। राजा बूढ़ा था लेकिन ईमानदारी से देश को ठीक करना चाहता था। उसने घोषणा की कि मेरे राज्य को जो भी तबाही से बचाने के रास्ते पर ले आएगा, जो भी तबाही से बचा देगा मेरा राज्य, उसकी मैं हर शर्त पूरी करने को तैयार हूं।
मंत्रियों ने सुझाव दिए, सलाहकारों ने सुझाव दिए, बड़ी बड़े सलाहकारों ने अपने अपने रास्ते बताए, लेकिन किसी भी तरह से राज्य तबाही से नहीं बचा। जंगल में तपते हुए एक साधु को सूचना मिली कि राजा की नीयत साफ है, वो राज्य को रोकना चाहता तबाही से। तो वो साधु राज्य में आया और राजा से ये कहा कि राजा क्या दोगे अगर मैं तुम्हारा राज्य ठीक कर दूं? राजा ने कहा जो मांगोगे वो दे दूंगा। साधु ने कहा केवल मेरी एक शर्त मान लो कि जो मैं फैसला सुनाऊंगा उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। ये शर्त अगर मंजूर हो तो मैं आपके राज्य से तबाही रोक सकता हूं। राजा क्योंकि मन से तबाही रोकना चाहता था, राजा ने अपने पूरे सदन के सामने शर्त मंजूर की कि साधु महाराज जो आप कहेंगे मैं वो फैसला अमल में लाऊंगा। तो साधु ने कहा कि शिकायतें मंगवाओ। एक टोकरा भर गया शिकायतों का, दूसरा टोकरा रख दो, दूसरा टोकरा भर गया शिकायतों का। जनता को बड़ी शिकायतें थी राज्य से, कई टोकरे भर गए शिकायतों के। जब शिकायतें आनी बंद हो गई तो साधु ने कहा कि आप फैसला करें, पहली शिकायत उठाओ। पहली शिकायत उठाई गई टोकरे से। पहली शिकायत थी एक गरीब आदमी की और उसकी शिकायत यह थी, गरीब आदमी का कहना था कि मेरी जवान बेटी को राजा का बेटा छेड़ता है, किससे फरियाद करूं, किससे सहायता मांगूं? साधु ने कहा राजा से कि वचन याद है, फैसला मैं सुनाऊंगा, अमल तुम करोगे। अपने बेटे को भरे चौराहे पर कल 12 बजे फांसी लटका दो। राजा ने कहा मेरा इकलौता बेटा है। साधु ने कहा कि इकलौता हो कि कुछ भी हो, आपको अपने बेटे को कल 12 बजे पूरी जनता के सामने फांसी पर लटकाना पड़ेगा, तब तक अगला फैसला नहीं सुनाऊंगा। राजा वचनबद्ध था। अगले दिन राजा ने दिन के 12 बजे अपने बेटे को फांसी चढ़ा दिया और भरे मन से बोला कि मैं दूसरी शिकायत उठाकर आपका फैसला सुनना चाहता हूं। साधु ने कहा कि बाकी सारी शिकायतों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दो। जब जनता को पता चलेगा कि ये राजा किसी गरीब की बेटी को छेड़ने पर अपने बेटे को फांसी चढ़ा देता है तो इस राज्य में किसी की बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं हो सकती। मैं इस पीड़ा की बात को कहने खड़ा हुआ हूं कि ये फैसला और इस फैसले का अमल इस देश से बहुत दिन से लुप्त हो गया। एक बुरी खबर देना चाहता हूं आपको, हमारा मन भारी है, यह खबर हमको बहुत पहले मिल गई होती तो इस कब सम्मेलन का भविष्य पता नहीं क्या होता। आज शाम को कोयम्बटूर में हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी जी की सभा में बम फटे हैं, 32 लोग मर चुके हैं, 100 से अधिक घायल हैं और मानव बम ठीक उनके मंच के पीछे फटा है। उसके बाद 13 बम और फटे हैं। अडवाणी जी सुरक्षित हैं, उन्होंने अगली सभा की है। इस समाचार के बाद ना तो ये हमारा साहस है, क्योंकि मुझे एक घटना याद आती है, कुछ दिन पहले घटी थी, मैंने पूरे देश में बोला हूं। डब्बाली में एक बार 600 बच्चे मर गए थे, बच्चों के स्कूल में आग लग गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। मैंने अखबार में पढ़ा कि नरसिंह राव वहां शोक मनाने गए तो उनके लिए रेशमी कपड़े के स्वागत द्वार बनाए गए। 600 बच्चों की मौत पर कोई शोक मनाने गया और उसके लिए रेशमी कपड़े के स्वागत द्वार बने और वो नेता स्वागत द्वार से गुजर गया, तो मैंने उस दिन मुल्क को संवेदनाओं का मर गया मुल्क घोषित किया। आज अगर 32 लोगों की मौत और 100 लोगों को घायल होने पर इतनी बड़ी घटना घटने के बाद हम हास्यरस का कब सम्मेलन चलाएं और भारत विकास परिषद के बैनर के नीचे चलाएं तो न ये भारत विकास परिषद की सभ्यता और संस्कृति है और न कवियों की संवेदनाओं का मूल्य है। मेरा निवेदन है पूरे सदन से कि हम उन मृतक 32 लोगों के शोक में श्रद्धांजलि सभा करके सब खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करके इस समारोह को यहीं समाप्त कर दें। यही संस्कार भारती, यही भारत विकास परिषद और हमारे कवियों की संवेदनाओं का मूल्य है। मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और एक वचन देता हूं आपको कि भारत विकास परिषद जब बुलाएगी हम सब के सब कवि एक बार बिना कोई पैसा लिए आपके बीच कविता पाठ के लिए आएंगे। तालियां मत बजाइएगा, मैंने तालियों के लिए कुछ नहीं कहा। आप 2 मिनट के लिए उन 32 मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखेंगे और इसके बाद चुपचाप यहां से चले जाएंगे। ये आज के कवि सम्मेलन का, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। हम भरे मन से इस बुरी घटना को भगवान को शुक्र करते हैं, हमारे अडवाणी जी सुरक्षित हैं और उन्होंने अगली सभा की है। उन 32 जो लोग मर गए हैं उनकी याद में 2 मिनट का मौन करके और हम सब यहां से विसर्जित हो जाएं, ये मेरा अनुरोध है 2 मिनट के मौन के लिए।
धन्यवाद आपका, और इस सभा को समाप्त घोषित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।